फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने यहाँ पे, आप नोट करेंगे आगे स्ट्रक्चर्स इनके। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, अब वो पढ़ेंगे इनके डाइसेक्राइड्स जो बन सकते हैं, इनके डाइसेक्राइड्स। अभी इसमें बहुत सारी चीजें और बतानी है, लेकिन अभी पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स, क्लियर? डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड पढ़ते समय बस ये ध्यान रखना कि लिंकेज कौन सी आएगी, ये क्वेश्चन आता है। डाइसेक्राइड में क्या आएगा, लिंकेज कौन सी आएगी और कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। लिंकेज कौन सी आएगी और कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, ये चीज ध्यान रखिए इसके अंदर, सही ना? बस क्लास में हाँ, नोट करना एक बार यहाँ से। अब डाइसेक्राइड पढ़ेंगे, डाइसेक्राइड सही ना, डाइसेक्राइड क्या क्या होंगे वो देखेंगे एक बार। तो डाइसेक्राइड में पहला पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। मैं पहले बता चुका तुम्हें स्ट्रक्चर सुक्रोज कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज सही ना, ये मैं पहले बता चुका तुम्हें एक बार। उसको बनाने के लिए हमारे पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होना चाहिए, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज होना चाहिए। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, सही ना? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ये होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं जो मेरा तरीका है, तुम उसको फॉलो करना चाहते हो उसको करो, नहीं तो जैसा बुक्स में दिया वैसे कर लेना। मेरा तरीका बहुत सिंपल है कि तुम्हें बस ये रखना है कि इसका स्ट्रक्चर इजीली बनाने के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है, ग्लूकोज का लेंगे C1, ग्लूकोज का लेंगे C1 और फ्रक्टोज का लेंगे C2 और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। सोचने में बहुत ईजी लगता है, जब तुम बनाओगे ना इसको तो तुम्हें टफ लगेगा, तो तुम्हें बहुत टफ लगेगा ये, सही ना? सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो दिमाग में ये रखना है, सुक्रोज कैसे मिलकर बना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। सुक्रोज C12H22O11 था, इसमें मैंने वाटर डाला तो बना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दो बने, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज कौन सा था, अल्फा वाला, फ्रक्टोज कौन सा था, बीटा वाला, इसका कार्बन कौन सा था, 1, इसका कार्बन कौन सा था, 2। अब पहले अब देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं बना, और इसको ना वर्टिकल रखना बनाते समय, ये रखना वर्टिकल रखना इसको, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्रक्टोज को फ्लिप करके रखना पड़ेगा तो जाके बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं इसको वर्टिकल रख रहा हूँ, वर्टिकल रखूंगा तो बनाएंगे इजीली बन जाएगा। देखो पहले बनाना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अब देखो पीछे वाले स्ट्रक्चर में सारे यूज करूंगा, इसमें ग्लूकोज बनाया मैंने, ये रहा ग्लूकोज, वन और टू से मेरे को मतलब है, ये अल्फा वाला तो इसलिए OH नीचे, दूसरे पे तो होता ही OH नीचे, तीसरे पे OH ऊपर H नीचे, चौथे पे HOH, पांचवे पे HCH2OH, ये बना दिया मैंने अल्फा, और वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स। अब बीटा, बीटा बनाने के लिए, और बीटा किसका, फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज थी पांच की रिंग, ये बनाया, ये वाला कॉर्नर और इसका कॉर्नर दोनों सेम जगह आने चाहिए ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना आए। देखो ये कॉर्नर मैच करना चाहिए इसका, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ये मैच करने चाहिए ताकि बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ये बना दिया मैंने पांच की रिंग, और ये इथर ऑक्सीजन दिखा रखा बीच में क्या है, इथर ऑक्सीजन। अब इसका बनाना बीटा, बीटा बनाना है तो OH ऊपर, ये वन कार्बन ये टू कार्बन, तीसरे पे उल्टा OH ऊपर H नीचे, चौथे पे HOH, पांचवे पे HCH2OH, ये आ जाएगा पांचवे पे ही आ जाएगा। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 कार्बन दिखा दिए मैंने यहाँ पे, 6 कार्बन दिखा दिए। अब 1 और 2 ये दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, याद रखना दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दिस इज बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अब इसमें से तुम्हें वाटर बाहर निकालना है, वाटर कहीं से भी OH ले लो, कहीं से भी ऐसे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक जैसे हैं। ये वाटर बाहर ये बना लेंगे जल्दी से, वाटर बाहर निकालेंगे, वन से ग्लूकोज का वन कार्बन, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, यहां से वाटर बाहर और जुड़ जाएंगे एक इथरल ऑक्सीजन के थ्रू, दोनों मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाएंगे एक इथरल ऑक्सीजन के थ्रू, जिस लिंकेज को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
नोट करेंगे। यहां से अब इंपॉर्टेंट है चैप्टर, यहां से ध्यान रखना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैंने क्या बनाया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाया, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बनाया, वन और टू कार्बन से वाटर बाहर निकाल दो, यही है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सिर्फ क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और वाटर बाहर निकालेंगे, बन गया सुक्रोज C12H22O11। ये मैंने वाटर बाहर निकाल दिया, देखो ये निकल गया वाटर बाहर यहां से, और दोनों को जोड़ देंगे, ये जोड़ा इसको, ये ओ, ये जोड़ गया। दिस लिंकेज, ध्यान देना, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसकी डेफिनेशन मैंने तुम्हें पीछे बताया अभी, इसकी डेफिनेशन आती है स्कूल में, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या बोलेंगे, व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स, एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड, व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ईथरल ऑक्सीजन, व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ईथरल ऑक्सीजन, ईथरल ऑक्सीजन, ईथर नहीं ईथर का ऑक्सीजन, ईथर लिख के Al, बाय एन ईथरल ऑक्सीजन, देन दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो उस लिंकेज को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब एंट्रेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस लिंकेज का स्पेशल नाम क्या है, ऊपर था अल्फा, नीचे था बीटा, तो इसका पूरा नाम जो होगा ना, ये लिंकेज पूछते हैं एंट्रेंस में कि लिंकेज का नाम क्या है, बीटा लिंकेज है अल्फा लिंकेज है, तो इसमें ना अल्फा है ना बीटा, एक तरह से बोलेंगे अल्फा वन बीटा टू लिंकेज, अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये नाम लिखना इसका, अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा डैश वन कॉमा बीटा डैश टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये पूरा नाम, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर डिटेल में, ये स्ट्रक्चर बना दिया इसका। और ध्यान रखना इसमें कितने OH ग्रुप्स हैं, इसकी भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा बाद में, एक OH, दो OH, तीन OH, चार OH, इधर पांच छ सात आठ, इनकी भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा बाद में, तो भी इसका भी ध्यान रखना है ना, कितने इसके अंदर OH ग्रुप्स हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, सही ना, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और इसको भी ध्यान रखना है, तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज है काफी, सही, अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करना आगे, अब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, इसमें और कुछ तो नहीं है, इसको सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, ध्यान रखना। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और, ये भी एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब बताओ ये डाइसैकेराइड जो है, इज दिस डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, इज दिस डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, क्यों, बोलो, इसके जो रिड्यूसिंग सेंटर है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, बिल्कुल सही है, हाँ ध्यान देना, बिल्कुल सही आंसर है पर्यंत का, इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन रिड्यूसिंग था, पहला, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन रिड्यूसिंग था, पहला, फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन रिड्यूसिंग था, दूसरा, ग्लूकोज का पहला कार्बन खत्म, क्लियर, ग्लूकोज का पहला कार्बन खत्म, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन खत्म, दोनों के दोनों इन्वॉल्व कहाँ पे है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देयरफॉर इट इज नॉन रिड्यूसिंग, ना तो ये रिंग रिड्यूसिंग है, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग, and also this ring is non-reducing, therefore it is non-reducing. एक भी ring reducing तो बोलेंगे reducing है. And this is the only disaccharide which is non-reducing. This is the only disaccharide which is non-reducing. ये ध्यान रखना चीज का. ये non-reducing है. ना तो ये tollens reagent, ना Fehling solution, ना Benedict solution, इनको किसी को reduce नहीं करेगा. tollens को silver नहीं बनाएगा. Fehling को red precipitate, Drick red precipitate नहीं बनाएगा. समझे कि नहीं? CuO2 का नहीं बनाएगा ये. तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज बोथ द मोनोसैकेराइड यूनिट्स, बोथ द रिड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देयरफॉर सुक्रोज एज ए होल इज नॉन रिड्यूसिंग, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं. तो ये एक हमने पढ़ा भी, सुक्रोज डाइसैकेराइड पढ़ लिया हमने, सुक्रोज, क्लियर, दिस डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज सुक्रोज. नेक्स्ट स्टडी करेंगे, मेरा अंदाजा, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसके अंदर, और अगर हॉरिजॉन्टली रखोगे रिंग को, अभी मैंने वर्टिकली रखा है, तुम वर्टिकली रख के ही बनाना हमेशा, वर्टिकली रख के, क्वेश्चन यही आएगा, तुम्हें डाइसैकेराइड डायरेक्ट बना के दे देंगे और कहेंगे रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो तुम्हें ये पहचानना है, एक भी रिंग रिड्यूसिंग तो रिड्यूसिंग, दूसरा पूछेंगे इसके अंदर, और ध्यान रखना मोनोसैकेराइड सब रिड्यूसिंग है, डाइसैकेराइड सब रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज,
पॉलीसेक्राइड्स कोई भी रिड्यूसिंग नहीं है, सही ना, पॉलीसेक्राइड्स कोई भी रिड्यूसिंग नहीं है, तो ये चीज झांकनी है इसके अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब, और तो इसके अंदर कोई ज्यादा तो नहीं है। अगर तुम हॉरिजॉन्टली रखोगे तो इस वाली रिंग को फ्लिप करके रखना तो बन जाएगा स्ट्रक्चर, इस वाली रिंग को फ्लिप करके रखना इसके साथ तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब, ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नाउ माल्टोज, माल्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। माल्टोज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, माल्टोज, माल्टोज कैसे बना था सबको पता होगा ये, जब हमने C12H22O11 लिया प्लस H2O डाला इसके अंदर H प्लस की प्रेजेंस में, या फिर ये माल्टोज है या माल्टेज की प्रेजेंस में, या माल्टेज की प्रेजेंस में तो बन जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, ये C1 और ये C4, C1C4 लिंकेज है इसमें, C1C4 और रखेंगे हॉरिजॉन्टली। ध्यान रखेंगे कैसे, इथर ऑक्सीजन जरूर दिखाना, कई बार चेकिंग करते हैं तो उसमें इथर ऑक्सीजन नहीं होता। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक और दूसरी यूनिट, बहुत क्लोज रखा है, जगह थोड़ी कम है, तुम लोग ढंग से बनाना। दूसरा ये ग्लूकोज है, ये इसकी 6 यूनिट्स, तो ध्यान रखना दोनों अल्फा लेने हैं, ग्लूकोज लेने हैं। एच ओ एच पहला कार्बन, HOH दूसरा कार्बन, तीसरे पे OHH, चौथे पे HOH, पांचवे पे HCH2OH, ये आ गया। फिर अब इसमें ये 5, ये है 3, ये 4, ये 5 और ऊपर 6, ऐसे इधर HOH, HOH, तीसरे पे उल्टा, तीसरे पे उल्टा OHH, चौथे पे HOH, CH2OH ऊपर, H नीचे। स्ट्रक्चर वही तभी पढ़ाएं, स्ट्रक्चर बनाने जिसको आते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टली रखा है इसमें। तो अब इसमें देखेंगे अब कैसे, ये दोनों ग्लूकोज दिए हैं, दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों के दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। अब इसमें से वाटर बाहर निकाल देंगे, ये वन कार्बन, ये वन कार्बन है, वाटर बाहर, यहां से ध्यान देंगे, ये वाटर निकाला मैंने बाहर इधर से, OH इसका, H इसका, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, जगह कम है थोड़ी सी, तुम देख के बनाना थोड़ा, तो ये H और OH इसका बाहर हो जाएगा और बन जाएगा इसे माल्टोज, क्या बन जाएगा इससे माल्टोज, तो ये बनाया माल्टोज, ध्यान देंगे माल्टोज बन जाएगा इसमें, मैं ऊपर ही बना रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, ध्यान देंगे। तुम लोग अलग से बनाना, इसी मत करना माल्टोज, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, OH H बना लिया है मैं, यहाँ से हटा के बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये ओ, ये बॉन्ड, और ध्यान रखना ये कॉर्नर जो है, जो मैंने ये दिखा रखा है ऐसे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ इधर, ये ऊपर H, इधर H, ये ऐसे ही बना ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये फोर्थ कार्बन, ये वन कार्बन, तो इसमें जो ये बनाया मैंने, इसके अंदर ये वाले कॉर्नर पे ना, ये बुक में शो करते हैं ऐसा, इसलिए मैंने शो कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे कार्बन नहीं कोई भी, ये मैं सोच रहा हूँ कार्बन है, नहीं समझ आ रहा तो तुम ऐसे दिखा देना, H H ये दिखाया, फिर ऐसे दिखा दो, ये ऐसे दिखाना चाहिए एक्चुअल में, ताकि यहाँ पे कार्बन नहीं, कॉर्नर को कार्बन मत समझ लेना, यहाँ कार्बन नहीं कोई, तो ये है यहाँ पे दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसका नाम क्या होगा, कौन बताएगा इसका नाम क्या है, इस लिंकेज का नाम कौन बताएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसका नाम कौन बताएगा, क्या नाम होगा इसका, अल्फा 4 कह लो, नहीं तो अल्फा 1,4 बोलते हैं, दोनों जगह अल्फा है ना, तो अल्फा लिंकेज आइए, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सही ना, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सही ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बताओ ये माल्टोज जो है, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग कौन सी रिड्यूसिंग है, इसकी पहली रिड्यूसिंग है कि दूसरी, सेकंड
सेकंड वाली क्यों? क्योंकि इसका पहला कारण बचा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर कारण बचा हुआ है, सही ना, इसका पहला कारण बचा हुआ है, इसलिए रिंग रिड्यूसिंग है इसकी। फर्स्ट रिंग सेकंड, यहां मैंने सेकंड लिखा ना, सेकंड रिंग इज रिड्यूसिंग, फर्स्ट इज नॉन रिड्यूसिंग, तो ओवरऑल माल्टोज विल बी रिड्यूसिंग, ओवरऑल माल्टोज विल बी रिड्यूसिंग, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इसलिए ये म्यूटा रोटेशन कर सकता है, सुक्रोज म्यूटा रोटेशन नहीं कर सकता, ये म्यूटा रोटेशन कर सकता है। इसमें भी ओएच ग्रुप काउंट करना, कितने ओएच ग्रुप हैं, बाद में मैं एक रिएक्शन कराऊंगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन सिर्फ ओएच ग्रुप से ही होती है, तो मैं बोलूंगा कितने मॉलिक्यूल चाहिए एसिटिक एनहाइड्राइड के, तो जितने ओएच होंगे उतने एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। तो यहां तक तुम समझ आ गया, दिस इज माल्टोज, क्लियर, दिस इज माल्टोज एंड इट इज रिड्यूसिंग, इट इज रिड्यूसिंग। अब एक चीज मैं यहाँ यही बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि वो स्ट्रक्चर माल्टोज को लेके ही बनता है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे उसको भी। स्टार्च सबने सुना हुआ है, स्टार्च जो ह्यूमन बींग्स हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्फा लिंकेज होती है, बीटा लिंकेज को थोड़ा टफ होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि ऐसे एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बीटा लिंकेज को तोड़ सके, तो अल्फा लिंकेज को ब्रेक कर सकते हैं एंजाइम्स जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्च जो है, स्टार्च ये एक पॉलीसेक्राइड है, सबको पता है C6H10O5 होल एंड एन वेरीज फ्रॉम 100 to 3000 अप्रोक्स। तो स्टार्च जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, स्टार्च दो पार्ट से मिलके बनता है, एक होता है एमाइलोज, एक एमाइलोपेक्टिन, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ध्यान चीज का, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। तो हम मिलने इनके स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बाकी तुम्हें पता है स्टार्च एनर्जी रिच सोर्स है, पोटेटोज में, बनाना में, वीट, मेज, राइस, सब में ये स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये पॉलीसेक्राइड एमाइलोज, सही है, एमाइलोज। ये क्या होता है, इसके अंदर जो क्या कहते हैं लिंकेज होती है, चलो पहले बहुत सिंपल सुन लेंगे, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है, इट इज वाटर सॉल्युबल, पहला ये डिफरेंस आता है पेपर के अंदर, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, ये वाटर सॉल्युबल, ये ब्रांच्ड है बहुत ज्यादा, वाटर इनसॉल्युबल, ओएच ग्रुप बहुत सारे हैं सॉल्युबल है ये, और वो ब्रांच वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा मानते हैं उसमें, वो इनसॉल्युबल है, वो इनसॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, पहला पॉइंट। ये ब्लू कलर दे तुम्हें पता है, सबने पढ़ा हुआ ये, जो ये अनियन को या फिर उसको क्या कहते हैं पोटैटो को पील ऑफ कर करके तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि स्टार्च के अंदर जब हम आयोडीन डालते हैं तो ब्लू कलर मिल जाता है, ब्लू कलर मिल जाता है, एमाइलोपेक्टिन ब्लू कलर नहीं देता, स्टार्च प्लस आयोडीन के ब्लू कलर, ब्लू कलर आ जाता है, तो वो एमाइलोज होता है, स्टार्च में जो ब्लू कलर देता है वो एमाइलोज देता है। एमाइलोपेक्टिन किसी बच्चे ने बोला था कि रेड कलर देता है, मेरे को नहीं पता उसके बारे में, बायो वाले बच्चों को पता होगा मे बी, एमाइलोपेक्टिन जो है वो आयोडीन के साथ शायद रेड कलर देता है, मैं श्योर नहीं हूँ। हमें सिंपल याद रखना है कि एमाइलोज जो है वो क्या कहते हैं आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा, तो एमाइलोज गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, बट नॉट दिस एमाइलोपेक्टिन, नो ब्लू कलर, हमें सिर्फ इतना करना है इसके अंदर, सही ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर यहां से इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना बिल्कुल, ये है लीनियर पॉलीमर, ये लीनियर पॉलीमर है और ये है ब्रांच पॉलीमर, ये ब्रांच पॉलीमर है। अब यहां से अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से ये लीनियर है, ये ब्रांच है, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है एक्चुअल में, इसमें ना लीनियर पॉलीमर तो है ये, इसके अंदर लगभग 200 से लेकर 1000 ग्लूकोज तक ज्वाइन होते हैं, 1000 ग्लूकोज तक ज्वाइन होते हैं इसको बनाने के लिए, एमाइलोज को 200 से लेकर 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं इसको बनाने के लिए। ऐसे लिंकेज कैसे होती है, जो माल्टोज के अंदर लिंकेज है ना सेम लिंकेज है, लेकिन ऐसे 1000 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे ग्लूकोज के तो बनेगा एमाइलोज, समझ गए कि नहीं। इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, क्लियर, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इन्वॉल्विंग C1C4 लिंकेज, ये पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर लिंकेज कैसी है। आजकल क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे हैं इसलिए स्ट्रक्चर से पूछेंगे क्वेश्चन। इन्वॉल्विंग C1C4 लिंकेज, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इन्वॉल्विंग C1C4 लिंकेज, दोनों के दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के ही पॉलीमर है, उन्हीं को पॉलीमरिक फॉर्म में लेंगे तो बनेगा। तो एमाइलोज तो स्ट्रेट चेन है, एमाइलोज इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इन्वॉल्विंग C1C4 लिंकेज। तो इसी को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, ध्यान देना, इसीलिए मैं यहाँ रब नहीं किया इसको, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हटाया यहाँ से, ये आगे एक्सटेंड हो गया, समझे कि नहीं, ये आगे ये ओ बना दो, इसको इधर एक्सटेंड कर दो, ये बन जाएगा पूरा, आगे जोड़ते जाओ उसको। इसीलिए पॉलीसेक्राइड क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग, पॉलीसेक्राइड क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग। इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड इट इज नॉन रिड्यूसिंग, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड इज नॉन रिड्यूसिंग। अब एमाइलोपेक्टिन, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, स्ट्रेट चेन में तो ये
C1C4 लिंकेज या ग्लूकोज की, 20 से 25 ग्लूकोज स्ट्रेट चलेंगे, 20 से 25 ग्लूकोज चलेंगे स्ट्रेट। ये मैं रब कर रहा हूं ऐसे, थोड़ा कुछ ऐसे सोचना स्ट्रक्चर, मैंने अपने मेरे नोट जिसके पास है स्ट्रक्चर दे रखा होगा उसके अंदर, और तुम चाहो तो तुम भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं बना सकते। ग्लूकोज चला, फिर ग्लूकोज, 20 से 25 ग्लूकोज को स्ट्रेट चलाओ उसके। मान लिया मैंने ये कंटिन्यूड है, ये यहाँ कंटिन्यूड है, ये आ गया से 22 ग्लूकोज आ गया ये, है ना। तो यहाँ पे C1, C4, C1, C4, C1, C4, अब यहाँ C1 आया, ये मान लिया 22वां ग्लूकोज है, तो अब ये नीचे से जुड़ जाएगा, ये नीचे किससे जुड़ जाएगा, C1C6 से, इस वाले से। ये ग्लूकोज आया यहाँ पे, ये इससे जुड़ जाएगा, वाटर बाहर निकाल देना यहाँ से। समझ गए कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, ट्राई करना इसका खुद कैसे बनेगा। तरीका मैंने बता दिया, बिल्कुल स्ट्रेट में 20 से 25 ग्लूकोज चलेंगे ऐसे ही, जैसे माल्टोज, जैसे माल्टोज की स्ट्रक्चर था, माल्टोज का स्ट्रक्चर था या माइलोज का स्ट्रक्चर था, 20 से 25 ग्लूकोज सेम ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लिया ये 22वां ग्लूकोज है, ये 22वां ग्लूकोज सपोज, तो इसका जो है C1, जो इसका C1 है, ये वाला इसका जो C1 है वो नीचे C6 से जुड़ जाएगा, इसके वाटर बाहर निकाल देना, CH2OH होगा ना यहाँ पे, CH2OH, इसका OH, इसका H, वाटर बाहर निकाल देना, जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा एमाइलोपेक्टिन। तो ये हाईली ब्रांच पॉलीमर है, एमाइलोपेक्टिन इज हाईली ब्रांच पॉलीमर है किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। इसलिए ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको प्लांट स्टार्च बोलते हैं, ये प्लांट स्टार्च है एक्चुअल में। एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन क्या है, प्लांट स्टार्च। व्हाई दे आर डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन बींग्स, इनको क्यों डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा लिंकेज होती है, अल्फा लिंकेज को तोड़ना आसान होता है, हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम प्रेजेंट है जो उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन एक टर्म आएगी, ध्यान देना, एक टर्म आएगी सेलुलोज, सेलुलोज वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसके अंदर बीटा लिंकेज होती है। और बहुत सिंपल सा आंसर, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, खुद ट्राई करना इसको। सेलुलोज क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है। कोई म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, जो जो पॉलीसेक्राइड्स हैं कोई म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते। बता दूंगा मैं, सेलुलोज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में क्या आएगा, व्हाई सेलुलोज इज इनडाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन बींग्स, व्हाई सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन बींग्स। तो सिंपल सा आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बींग डज नॉट हैव एंजाइम कॉल्ड एज सेलुलेज, सेलुलेज टू डाइजेस्ट दिस, टू एब्जॉर्ब दिस सेलुलोज। और क्यों, किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर बीटा लिंकेज होती है। इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, सेलुलोज क्या है, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। उसको तोड़ना टफ होता है, वो सिर्फ ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये वाले एंजाइम्स, इसलिए वो डाइजेस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये चीज ध्यान रखना, सेलुलोज क्या है, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो ऐसे डिफरेंस आ सकते हैं, सेलुलोज और स्टार्च में क्या डिफरेंस है, स्टार्च पॉलीमर किसका है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। सेलुलोज किसका पॉलीमर है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। एक क्वेश्चन हो रहा था ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी जो है ना ये एनिमल स्टार्च होता है, क्लियर, ग्लाइकोजन भी एनिमल स्टार्च होता है, और इसके अंदर ना ब्रांचिंग ज्यादा होती है। डिफरेंस सुनना, एमाइलोपेक्टिन क्या है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में डिफरेंस आता है, किसमें, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में। एमाइलोपेक्टिन क्या है, प्लांट स्टार्च, ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च, पहला पॉइंट। एमाइलोपेक्टिन क्या है, प्लांट स्टार्च, ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च, पहला पॉइंट। दूसरा, एमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग होती है 20 से 25 ग्लूकोज के बाद, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है 20 से 25 ग्लूकोज के बाद, और ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है 10 से 14 के बाद। तो कौन सा ज्यादा ब्रांच हुआ, कौन सा ज्यादा ब्रांच हुआ, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ये याद रखना, ग्लाइकोजन इज मच मोर हाईली ब्रांच एज कम्पेयर टू एमाइलोपेक्टिन। दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, 1 मार्क में या 2 मार्क्स में, दो डिफरेंस मैंने बताया अभी। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च है, ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन क्या है, प्लांट स्टार्च, पहला पॉइंट। दूसरा, एमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग होती है 20 से 25 के बाद, यानी थोड़ा कम ब्रांच जाइए, है तो ये भी ज्यादा ब्रांच लेकिन उसके रेस्पेक्ट में कम है। देयरफॉर एमाइलोपेक्टिन इज लेस ब्रांच्ड एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजन, क्योंकि इसमें 10 से 14 के बाद ही ब्रांचिंग आ जाती है। तो ये इस चीज को ध्यान रखना है, सही ना। तो ये यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर किसका पढ़ लिया, एक तो पढ़ लिया हमने किसका, सुक्रोज का, सुक्रोज का पढ़ लिया हमने किसका, माल्टोज का, माल्टोज के बाद किसका पढ़ लिया, एमाइलोज का, एमाइलोज के बाद एमाइलोपेक्टिन का, सेलुलोज का मैंने ऑलरेडी बताया, सेलुलोज का ऑलरेडी बताया जो कि पॉलीमर है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का, और दूसरा मैंने एक बताया ग्लाइकोजन का ऑरली, ये पूछते नहीं है लेकिन मैंने बता दिया, अगर तुम इनकी प्रैक्टिस करोगे हर रोज 3-3 बार स्ट्रक्चर बनाओगे इसके, तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा।
स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, आगे रिएक्शंस है जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। अभी तुम्हें टफ लगेंगे क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं है, अभी थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन फिर भी मैं रिएक्शन ऐसे पढ़ाऊंगा कि पहले सिंपल बताऊंगा फिर ग्लूकोज के बताऊंगा, तो इसलिए तुम्हें समझ आ जाएगा उसको, बहुत टफ नहीं लगेगा तुम्हें ऐसा। तो ये मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिए, सेलुलोज वगैरह का भी स्ट्रक्चर बता दिया है। अब एक स्ट्रक्चर हमारा रह गया कौन सा, अच्छा एक डाटा कि जो क्या कहते हैं सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है मैं एक बार हल्का से बता देता हूँ स्ट्रक्चर को। सेलुलोज ये सेलुलोज बीटा पॉलीमर है ना, ये बनाया मैंने बीटा ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, पहला कार्बन है ये, दूसरे पे तो सेम रहेगा नीचे OH, तीसरे पे OH ऊपर H नीचे, चौथे पे HOH, पांचवें पे CH2OH ऊपर और H नीचे, दूसरा बीटा डी प्लस, इट इज अ लीनियर पॉलीमर, क्लियर, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। एक मिनट, यहाँ पे बीटा डी प्लस ग्लूकोज है ना, OH ऊपर H नीचे, दूसरे पे HOH, तीसरे पे तो उल्टा होता है OHH, चौथे पे नीचे और पांचवे पे HCH2OH, ये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर बाहर निकालेंगे इस तरीके से, ध्यान देना वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा और ये कंटिन्यू रहेगा पूरा, ये बाहर निकलेगा, जोड़ेंगे इसको ऐसे, ध्यान देंगे जोड़ेंगे कैसे वो भी ध्यान देना इधर, और इसको बोलेंगे बीटा वन फोर लिंकेज। मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, बना लिया होगा सबने ये मैंने रब किया यहाँ से, एच यहाँ से ये हटा दिया यहाँ से, मैं इसको जोड़ूंगा, ये जुड़ जाएगा इस तरीके से ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन दिखा दिया बीच में और ये जुड़ गया, ये कॉर्नर पे कार्बन नहीं है, ध्यान रखना चीज का बस। तो इस लिंकेज का नाम क्या होगा, बीटा बीटा वन फोर लिंकेज, बीटा वन फोर लिंकेज, बीटा वन फोर पूरा देना तुम लोग, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ये वन ये फोर, बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये और ये कंटिन्यूड है पूरा ऐसे आगे, मैंने यहाँ पे आगे दिखाया नहीं है, ये यहाँ से कंटिन्यूड है पूरा, ये यहाँ से कंटिन्यूड है पूरा, ये हटा देंगे इसको यहाँ से, वही हजार ग्लूकोज तक कम से कम आएंगे, ये ऐसे कंटिन्यूड, ये ऐसे आगे कंटिन्यूड, ये है सेलुलोज। आईआईटी के अंदर इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें अगर हमने एसिडिक एनहाइड्राइड डाला, एसिडिक एनहाइड्राइड डाला तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, हर जगह एच हटा के, मतलब OH ग्रुप होता है ना, इसमें जब एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड डालते हैं तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एच हटा करके COCH3 लगा देना है, कहीं पे भी एच लगा हुआ है OCOCH3, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं जो आईआईटी में लिखा था OAC, AC को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो बस जिसको सेलुलोज का स्ट्रक्चर आता था वो आराम से कर लेगा, क्योंकि एच हटाएगा और AC लगा देगा, एच हटाएंगे AC लगा देंगे, एच हटाएंगे AC लगा देंगे, ऐसे ही कहीं पे भी एच है तो OAC, बस जिसको सेलुलोज का स्ट्रक्चर आता था उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। रिएक्शन सबको पता होती है वाली, रिएक्शन सबको पता होती है क्या होता है, एच हटा के AC लगा देना बस। तो ये स्ट्रक्चर देख रहा था बस कि किसमें बना हुआ, वो करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया किसका स्ट्रक्चर ऑफ, क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज पढ़ लिया, और ये सेलुलोज जो एसिटेट की फॉर्म में था, सेलुलोज एसिटेट वो बता दिया मैंने तुम्हें। अब एक स्ट्रक्चर आ गया हमारा लैक्टोज का, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज किससे बना था, C12H22O11 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों के दोनों बीटा, बीटा बीटा वन फोर लिंकेज थी, हॉरिजॉन्टली रख के खुद ट्राई करेंगे स्ट्रक्चर इसका, देखो बनाओ जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बनाओ जल्दी से लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, फास्ट बनाएंगे थोड़ा,
एस्टर, लैक्टोज देखो जल्दी से देखेंगे स्ट्रक्चर। लैक्टोज होता है बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज, दोनों के दोनों बीटा। ये बनाया बीटा ग्लूकोज ओ एच 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 ओ एच, ऊपर तीसरे पे उल्टा ओ एच एच ओ एच सी एच टू ओ एच एच, ये बीटा गैलेक्टोज ओ एच एच पहला गैलेक्टोज बना रहा हूँ मैं, ध्यान कहाँ पे चेंज आएगा गैलेक्टोज में, चौथे पे उल्टा, याद है ना ग्लूकोज गैलेक्टोज सी फोर एपिमर्स से सी एच टू ओ एच एच, बस यहां से वाटर बाहर, वन ये फोर, वन और ये फोर ये सिक्स। बताओ ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, लैक्टोज लैक्टोज बनाया मिल्क शुगर है जो कि रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, नहीं ध्यान कौन सा रिड्यूसिंग है ग्लूकोज की गैलेक्टोज, हाँ ग्लूकोज, पहले मैंने ग्लूकोज दिखाया ध्यान रखना चीज का, पहले ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये हटाया ये हटाया और इथर ऑक्सीजन से जोड़ दिया इसको, तो ये लिंकेज आ जाएगी इसके अंदर, सही ना, ये लिंकेज आ जाएगी इसके अंदर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, सही ना, ये वाली इसमें लिंकेज आ जाएगी बीटा वन फोर लिंकेज, बीटा वन फोर लिंकेज एंड इट विल बी रिड्यूसिंग, मिल्क शुगर भी कहते हैं इसको, सही ना, मिल्क शुगर भी कहते हैं। अब जल्दी से ना, अभी अभी बहुत सारा रह रहा है ये, लेकिन बस टाइम थोड़ा सा कम है, एक बार मैं थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, ताकि हमारा एक टॉपिक कवर हो जाए, नेक्स्ट टाइम करेंगे भी, रिएक्शन वगैरह रह रही है इसकी, लिमिटेशंस वगैरह रह रही है अभी कार्बोहाइड्रेट्स में, शायद नेक्स्ट टाइम ओवर हो जाए, शायद पक्का नहीं एकदम, क्या पता कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाए नेक्स्ट टाइम, तो इसमें नोट करेंगे, पर इंपॉर्टेंस नोट कर लेंगे जल्दी से, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टार्च स्पेशली, ये मेजर पोर्शन होता है हमारे फूड का, हमारे मील का, हमारे मील में कार्बोहाइड्रेट जरूर प्रेजेंट होता है, चाहे क्या कहते हैं व्हीट है, मेज है, राइस है, किसी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट जरूर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे मेजर पोर्शन होता है हमारे फूड का, ये ध्यान रखना चीज का, पहला फर्स्ट इसीलिए इसको लिख दिया, इट एक्ट्स एज बायोफ्यूल, बायोफ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी, एक्ट्स एज बायोफ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी,
हम वो सेमी सिंथेटिक क्लोथ जो पहनते हैं, कॉटन के क्लोथ पहनते हैं, वो भी किससे बने होते हैं? सेलुलोज से. वो भी किसके अंदर? सेलुलोज मेजर पोर्शन होता है, मेजर रोल प्ले करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, पेपर बनाने में से ना, टेक्सटाइल वगैरह में यूज होता है ये सेलुलोज जो होता है. वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स. तो और ये कार्बोहाइड्रेट जो है, इट इज ऑल्सो यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स, स्टार्च इन प्लांट्स इट इज यूज एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स. इन एनिमल्स स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स. तीसरा है जो एक हम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे, उसके अंदर डीएनए और आरएनए, कुछ डीएनए के अंदर जैसे ना ये मिलता है शुगर फॉस्फेट यूनिट, इनसे मिलकर बनता है सही ना, इनके अंदर शुगर होता है और फॉस्फेट. शुगर जो होती है इसके अंदर, वो शुगर क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट सही ना. शुगर क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट. शुगर जो है इसके अंदर, जैसे डीएनए है तो इसके अंदर शुगर होती है बीटा टू डीऑक्सी डी माइनस राइबोस, और आरएनए है तो शुगर क्या होती है? बीटा डी माइनस राइबोस, बीटा डी माइनस राइबोस. मैं डी माइनस राइबोस लिख रहा हूँ उसको सही ना, डी माइनस राइबोस. ये शुगर प्रेजेंट होती है हमारी आरएनए के अंदर, राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर, और ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट. तो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर शुगर जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट बीटा, और दूसरी क्या है? डी टू डी ऑक्सी डी माइनस राइबोस, टू डी ऑक्सी डी माइनस राइबोस. ये शुगर भी डीएनए में प्रेजेंट होती है. डीएनए जैसे ना तीन, मेनली तीन चीजों से मिलकर बनता है, बेस शुगर और फॉस्फेट से. बेस शुगर और फॉस्फेट. शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट. डीएनए में ये शुगर प्रेजेंट है, आरएनए में ये शुगर प्रेजेंट है, दोनों के दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट. तो ये भी इसका यूज है. स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है ये, एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल मटेरियल है ना. जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है, प्लांट्स की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से. सेलुलोज एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ये आ जाता है. प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री. रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, एंड पेपर इंडस्ट्री. तो ये भी एक बार पढ़ लेना, ये आजकल यूजेस वगैरह भी पूछते हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड है. जैसे हनी होता है, हनी किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर बनता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है? मोनो